फिर पाकिस्तान से आई खबर, पूर्व पीएम इमरान खान पर निशाना, मरियम नवाज ने दिया ये बयान। पाकिस्तान को लेकर आजकल खबरों का जोर कुछ ज्यादा ही गर्म है। एक तरफ जहां बदहाली का दौर जारी है और ऊपर से सियासत खत्म होने का नाम नहीं ले रही। अब ताजा मामला पूर्व पीएम नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज का है, जिसने पूर्व पीएम इमरान खान को लेकर निशाना साधा है। जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान में लोग आर्थिक तंगी का सामना कर रहे हैं, लोगों के पास खाने तक के पैसे नहीं हैं। आए दिन वहां के फोटो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते रहते हैं। पीएम शहबाज समेत उनकी पूरी सरकार दुनिया भर से झोली फैलाकर आर्थिक मदद की गुहार लगा रहे हैं। इस बीच शहबाज खेमा देश की बदहाली के लिए पूर्व पीएम इमरान खान पर आरोप लगा रहे हैं। पीटीआई प्रमुख इमरान खान पर अब नवाज शरीफ की बेटी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की चीफ आयोजक मरियम नवाज ने बड़ा आरोप लगाया है। इस बारे में मरियम नवाज ने इमरान खान के बाजवा को लेकर दिए गए बयान पर निशाना साधा, जिसमें इमरान खान ने बाजवा को सुपर किंग बताया था। उन्होंने कहा कि अगर उस समय जनरल बाजवा सुपर किंग थे तो आप यानी इमरान खान उनके नौकर थे क्या? वो पाकिस्तान को श्रीलंका बनता हुआ देखना चाहते थे। बीते दिन पाकिस्तान के जियो न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक लाहौर में मरियम ने अपनी पार्टी के नेताओं को संबोधित करते हुए ये बयान दिया है। जाहिर है कि इमरान खान ने एक टीवी शो के दौरान कहा था कि बाजवा सुपर किंग है। इमरान ने आरोप लगाया था कि जनरल बाजवा ने उनकी सरकार गिराने का काम किया था। तो वहीं इमरान खान के इसी बयान पर मरियम ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार गिराए जाने के बाद भी पीटीआई प्रमुख पूर्व सेना प्रमुख के साथ बैठकें करते रहे। इमरान खान पहले कहा करते थे कि जनरल बाजवा ने जितनी मेरी मदद की है उतनी किसी ने नहीं की, और आज आप कहते हैं कि कमर जावेद बाजवा ने मेरी सरकार गिरा दी। बता दें कि इमरान खान ने दावा किया कि पूर्व सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा चाहते थे कि वह यूक्रेन पर आक्रमण के लिए रूस की निंदा करें, लेकिन उन्होंने भारत का उदाहरण देते हुए ऐसा करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि एक साल पहले देश का पीएम रहते हुए जब वह रूस की यात्रा से वापस आए थे तो जनरल बाजवा ने उनसे यूक्रेन पर हमला करने के लिए रूस की निंदा करने को कहा था। इमरान खान ने कहा कि मैंने उनसे यही कहा कि अमेरिका का रणनीतिक सहयोगी भारत तटस्थ रहा है, इसलिए पाकिस्तान को भी तटस्थ रहना चाहिए। जाहिर है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्रमुख इमरान खान ने कहा कि मैंने पाकिस्तान के हितों को ऊपर रखा। इमरान खान ने आगे कहा कि उनके मना करने के बाद भी जनरल बाजवा ने अमेरिका को खुश करने के लिए एक सुरक्षा सेमिनार में खुद रूस की निंदा कर दी थी। उन्होंने कहा कि बाजवा चाहते थे कि वह अमेरिका को खुश करने के लिए पुतिन की निंदा करे। बहरहाल देखना होगा कि आखिर इस मामले में और बड़ी अपडेट अब आगे क्या आती है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।